हिमाचल राज्य संग्रहालय भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा हिमाचल की स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर कला एवं शिल्प मेले का आयोजन 9 से 13 सितंबर 2021 तक गेटी थिएटर शिमला में किया जा रहा है, जिसके तहत शिल्प मेले का उद्घाटन भाषा एवं संस्कृति के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान द्वारा किया गया। शिल्प मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से 18 शिल्पकार कला एवं शिल्प वस्तुओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिनमें मुख्यतः चंबा रुमाल, पहाड़ी लघु चित्र, चंबा धातु, काष्ट एवं पाषाण कला, किन्नौरवी व कुल्लवी शॉल और चील की पत्तियों से बनी वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है, जिसके तहत पर्यटक शिल्प मेले से रियायती दरों पर सामान खरीद सकते हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा हिमाचल के प्रख्यात इतिहासविद डॉक्टर ओ सी हांटा द्वारा लिखित व राज्य संग्रहालय शिमला द्वारा प्रकाशित एशियन वुडन टेम्पल्स ऑफ हिमाचल्स का भी विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा प्रदेश की पारंपरिक हस्तकला को बढ़ावा देने व इनके संरक्षण पर बल भी दिया गया। देखिए, ये प्रदेश सरकार की ओर से एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें आर्टिस्ट को, क्राफ्ट पर्सन को अपने प्रोडक्ट को एग्जीबिट करने का, उनको बेचने का एक अच्छा अवसर है और सभी लोगों में बड़ा उत्साह है। 18 यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं, 18 डिफरेंट कलाएँ का यहाँ प्रदर्शन भी है और इनफैक्ट लोगों को बड़ा उत्साहित हैं लोग के काफ़ी समय से कोरोना काल में घरों में बंद रहे और उनके स्टॉक्स भी बिल्डअप हो गए और परिवार में जो आय के साधन में सीमित होने के कारण उनको इनकम उनकी इफेक्ट हो गई, तो ये अच्छा मौका है, इसको हम और भी आगे बढ़ाएंगे। पाँच दिन का तो ये एक एग्जीबिशन है, उसके बाद इसको डलहौजी में और धर्मशाला में भी करने का प्रयत्न करेंगे ताकि इनको अच्छा एक अवसर मिल पाए लोगों तक पहुँचने का और अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।